हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल। तो यार आज हम लोग बात करेंगे एक साउथ कोरियन एक्शन क्राइम मूवी की जिसका नाम है द गैंगस्टर द कॉप द डेविल। मूवी की ओवरऑल लेंथ 1 घंटे 50 मिनट की और ये आपको कोरियन लैंग्वेज विद इंग्लिश सबटाइटल्स देखने को मिल जाती है और ये आपको हिंदी में भी देखने को मिलेगी, मगर वो अनऑफिशियल हिंदी डब है। बट हिंदी डबिंग इसकी ठीक तरह से की गई है, यानी कि ना ही ज़्यादा बेटर है ना ही ज़्यादा वर्स्ट है, यानी कि ऐसी है कि आप लोग देख सकते हो। खैर मूवी की कहानी बेस्ड है ट्रू स्टोरी पर। अब बात करें मूवी के प्लॉट की, जो कि फोकस करता है एक सीरियल किलर पे जो कि बैक टू बैक मर्डर्स कर रहा है। अब कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब ये सीरियल किलर एक गैंगस्टर पर हमला बोल देता है, फिर उसके बाद कैसे गैंगस्टर और कॉप मिल के इस सीरियल किलर के पीछे पड़ जाते हैं, ये सब कुछ जानने के लिए तो आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। फिर अब बात करें इस मूवी के कॉन्सेप्ट की, जो कि यूनिक है, अच्छा है, जो इस तरह की कॉन्सेप्ट हमें ज़्यादा मूवीज़ में देखने को नहीं मिलते हैं। जिस तरह से इस मूवी को एग्जीक्यूट किया वो बहुत ही एंटरटेनिंग है, यानी कि फर्स्ट सीन से लेकर एंड तक ऑलमोस्ट 2 घंटे की ये मूवी होने के बावजूद भी आपको बोरियत फील होती नहीं है, एटलीस्ट मुझे नहीं हुई। मूवी की सिनेमेटोग्राफी मुझे बहुत अच्छी लगी, हर एक सीन को बहुत ही अच्छी तरह से शूट किया। अपना जो चेजिंग सीन है वो मेरे पर्सनली फेवरेट है इस पूरी मूवी में। उसके अलावा मूवी में अगर कैरेक्टर्स की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको 3 मेन कैरेक्टर इतने मिलते हैं, पहले तो एक गैंगस्टर का, दूसरा वो कॉप और तीसरा सीरियल किलर का। और तीनों कैरेक्टर को इस पूरी मूवी में बहुत ही अच्छी तरह से लिखा है, लेकिन जो लाइकेबल कैरेक्टर है वो है द गैंगस्टर का, वो कैरेक्टर आपको बहुत अच्छा लगेगा। और जिस एक्टर ने उस रोल को प्ले किया है, अगर आप लोगों ने उनकी प्रीवियस मूवीज़ देखी है या अगर आप लोगों ने नहीं भी देखी है तो भी अगर आप लोग ये मूवी देखोगे तो वो कैरेक्टर और वो एक्टर दोनों ही आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। उसके लिए इस मूवी की अगर BGM की बात करूँ तो स्पेशली जो एक्शन सीन से या स्पेशली लास्ट के जो 40 मिनट है उसमें जो BGM सुनने को मिलता है ना, वो एक अलग सा थ्रिल लेकर आता है। और कह सकते हो आप कि इस मूवी का BGM एकदम परफेक्ट है मूवी के हिसाब से। एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करें तो हर एक एक्टर ने यहाँ पर बिलीवेबल परफॉर्मेंस दिया है, बहुत ही अच्छा लगता है। पूरी मूवी में आप लोग ये फील नहीं कर पाते कि वो लोग एक्टिंग कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि रियल में वो लोग इसी तरह के हैं। फिर अब बात करें इस मूवी की नेगेटिविटी की, तो देखिए ये एक कोरियन मूवी है तो आप लोग ये एक्सपेक्टेशन मत करना कि ये मास्टरपीस है, ऐसा नहीं है। ये वन ऑफ दी एंटरटेनिंग कोरियन मूवीज में से एक है जो आप लोग बोर हो गए नहीं। लेकिन अगर आप लोग ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेके देखोगे कि यार इसमें सीरियल किलर है तो हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी जो हम लोग आज से पहले एक्सपेक्ट नहीं किए, तो ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, ये मूवी बुरी भी नहीं है, आप फुल टू एंटरटेन हो गए, ये मेरी गारंटी है। पेरेंटल गाइडेंस की बात करो तो देखिए यहाँ पर आपको एडल्ट सीन तो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ वायलेंस की सीन्स यानी कि वो जितने भी चाकू से मारने वाले सीन है वो आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे इस मूवी में। तो उस हिसाब से आप लोग थोड़ा बहुत समझ लो कि अगर आपके छोटे घर में बच्चे हैं तो अवॉइड करना, लेकिन अगर आप लोग सब एडल्ट्स हो तो आराम से ये मूवी बैठ के देख सकते हो। मैं इस मूवी को रेटिंग दूंगा 7.5 out of 10। मेरे हिसाब से एक एंटरटेनिंग मूवी है जो मुझे निराश नहीं की, लेकिन मेरे जैसा ओपिनियन सबका हो ये ज़रूरी नहीं। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही, अब ये मूवी इन साइट्स पर आपको देखने को मिल जाएगी, तो यहाँ से आप लोग डाउनलोड करें तो करो या तो फिर आपको जहाँ से समझ में आता करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।